दोस्तों वेलकम टू शरण पंजीओ। दोस्तों आज के रिएक्शन वीडियो होने वाला है इमरान प्रतापपुरी और चांदनी समा के साथ। बहुत ही अच्छी रिएक्शन वीडियो होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर सोरगा जल्दी जाइए, फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गली गली कूचे कूचे के गली गली कूचे कूचे बोलता रहा है। आज अगर तुमने उसे ना कबूल किया, आज अगर तुमने उसे ठुकरा दिया, तो आने वाली सदियों में जब तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि एक तानाशाह मुल्क को बर्बाद कर देना चाहता था, तब तुम क्या कर रहे थे, तब शायद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे बीच में पुड़िया छोड़ी जाएगी, तुम्हारे बीच में फतवे आएंगे, तुम्हारे बीच में यह समझाया जाएगा, लोग लगाए जाएंगे, टीम लगाई जाएगी, ये कहा जाएगा कि नहीं, इन्होंने तो इनके लिए अपील कर दी, उन्होंने तो उनके लिए अपील कर दी। तो मुरादाबाद वालों सवाल जरूर पूछना कि अपील करने वाले लोग तब कहाँ थे जब जंतर मंतर पर नजीब की माँ चीख चीख करके कह रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है। उनसे पूछना जरूर कि ये अपील करने वाले लोग कब कहाँ थे जब ट्रेन में हाफिज जुनैद को कत्ल किया जा रहा था। ये अपील करने वाले लोग कब कहाँ थे जब 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना माँ पहलू खान की चीख रही थी, तब कहाँ थे ये लोग, पूछना जरूर। मुझे तुमसे सवाल करना है, मुझे तुमसे ये कहना है कि ये फतवे, ये अपीलें, ये पुड़िया, ये पर्चे, इनसे उबर जाओ। इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है मुरादाबाद वालों, मेरे अपनों। ऐसे लोगों को चुनो जिन्हें पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इस बात का खौफ ना रहे कि पार्टी क्या सोचेगी, हमारा नेता क्या सोचेगा। मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुरादाबाद की आवाम क्या सोचेगी। मेरी जवाबदेही मुरादाबाद के लिए है, मेरी जवाबदेही किसी और के लिए नहीं रहेगी, मेरी जवाबदेही सबसे पहले मुरादाबाद की आवाम के लिए रहेगी। मुरादाबाद वालों, मेरे अपनों, मैं अब अपनों ही कहूंगा आपको, आप चाहे जो फैसला करें। मैं आपसे बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। बड़ी सुकून की जिंदगी थी, ड्रिप लगी हुई है, पिछले 4 दिन से मुसलसल यहाँ से छुट्टी मिलती है। जनसभाओं के बाद 2 घंटे, जनसंपर्क के बाद तो 1-2 बजे डॉक्टर के पास जाता हूँ, इंजेक्शन लेता हूँ, ड्रिप लगवाता हूँ, उसके बाद सुबह 8 बजे फिर गलियों गलियों कूचों कूचों की खाक छानने निकल जाता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्यों कर रहा हूँ? मुझे अल्लाह ने बहुत शोहरत दे रखी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आज मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इस जंग में कूद पड़ा हूं तो इसका मतलब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मुझे तुमसे सवाल करना है, मुझे सवाल पूछना है। मैं सहारी नहीं हूं, चलता है बंगाल का जादू भूल गया, मेरा जादू जिस पे चलता है मर जाएगा, तू कट जाएगा, मर जाएगा, मेरी जुल्फों की तलवार से। सबसे ज्यादा आप ही पे असर हो रहा है। बचकर तू रहना दीवाने मेरी पायल की झनकार से, मेरा सपना एक करोड़ का है, मेरी विद्या लाखों वाली है। अर्शा भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मुशायरे को YouTube पर पहुंचाने वाले। अर्शा भाई, मुशायरा मीडिया, आप लोग इतनी मोहब्बत से सुने, इतने अच्छे से सुने, यही मुशायरा 2 दिन बाद YouTube पर पूरी दुनिया देखेगी। लाइव चालू है अभी, अपनी लाइव और तहजीब का सबूत दे। मैं पढ़ती हूँ, मेरा कंगना 1 करोड़ का है, मेरी विद्या लाखों वाली
अभी इसका बिल नहीं आया है मेरे कान में ये जो वाली है। मेरा कंगना 1 करोड़ का है, मेरी बिंदिया लाखों वाली है। अभी इसका बिल नहीं आया है मेरे कान में ये जो वाली है। तू मुझसे नहीं बच पाएगा, तू मुझसे नहीं बच पाएगा, बच जाएगा सरकार से। बच कर तू रहना दीवाने मेरी पायल की झनकार से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।